इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। लेकिन यार 8.1 अभी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, उसके पहले ये नन्हे मुन्हे एग्जाम्पल कहाँ जाएंगे। तो पहले यार ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एंड पिछली वीडियो में यार हमने कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया है, तो अब यार एकदम टाइम नहीं लगेगा, एकदम स्पीड में क्वेश्चन सारे फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम लोग ये इस वीडियो में ये सारा एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं और इसकी अगली वीडियो में एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के एंड में एक बताया था, एक रेशियो दे रखा होगा और बोलेगा बाकी के सारे रेशियो फाइंड करो। सेम है, अगर समझ गए हो तो तुम थोड़ा सा वीडियो पार कर सकते हो या स्पीड में देख सकते हो। क्या दे रखा है, टैन ऑफ एंगल ए दे रखा है। यहाँ पे टैन हो सकता था, साइन हो सकता था, कॉस हो सकता था, कॉट हो सकता था, कोई सा भी हो सकता है। एक ट्राइंगल बनाना है अपने को, एक ट्राइंगल बनाना है पाइथागोरस थ्योरम से, उसकी साइड निकालनी है और बाकी सारा लिख देना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पे लिखा एंगल ए बी एंड सी, ठीक है। तो क्या दे रखा है, टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 4/3। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिमाग में रखना है अपोजिट बाई एडजेसेंट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है भैया, इस ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ पे सारा काम क्या करना है, एंगल ए से करना है ना, एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो परपेंडिकुलर मार्क कर दो, एंगल ए के हिसाब से निकाल रहे हैं, यहाँ एंगल ए दे रखा है। तो ये वाली लाइन हो गई बेस एंड ये वाली लाइन हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, यहाँ पे इस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, तो बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो यानी बी सी का वैल्यू 4, ए बी का वैल्यू 3। तो हम लिखेंगे लेट BC इज इक्वल टू 4K, ठीक है। AB इज इक्वल टू 3K, AB इज इक्वल टू 3K, ये लिखा, ठीक है। तो जिसने आप पिछली वीडियो नहीं देखी भाई, तुम डायरेक्ट ये देख रहे हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ तो यार बस एक फॉर्मेलिटी की तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी तुम्हें नया मिलेगा ही नहीं, पिछले में सारा मैंने बता दिया है। ये हो गया BC AB, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से AC का वैल्यू निकाल लेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC क्या हो गया, 4K का होल स्क्वायर, प्लस AB क्या हो गया, 3K का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, ठीक है। 16 और 9 25K स्क्वायर, 5K स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 5K आ गया, ठीक है। अब हमें AC मिल गया, यहाँ पे लिख दो 5K, ठीक। अब बोल रहा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाकी सारा रेशियो खोजो, एंगल ए का बाकी सारा रेशियो खोजो। तो बाकी सारा रेशियो हम लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए दे रखा है, एक बार फिर से हमने रिपीट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कॉसेक ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ एंगल ए और कॉट ऑफ एंगल ए। तुम लोग भी ट्राई करो कि ऐसे लाइन खींच के साइन इधर में, ये तीनों लिख दिया और ये तीनों का ही रेसिप्रोकल होता है ये तीनों, तो अगल बगल ऐसे लिखोगे तो ठीक लिखने में इजी रहता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ उसका उल्टा पलट के यहाँ पे लिख दिया, काम हमारा इजी हो जाता है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला, साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा भैया, तो पहले फॉर्मूला लिख दो, पहले फॉर्मूला, हाँ तुम्हें फॉर्मूला मस्ट है, फॉर्मूला लिख के दिखाना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन ए का तो हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखा था, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमें दे रखा है वैल्यू, ठीक है। चाहे लिख भी दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉसिक क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है इसके बाद, कि एंगल ए लिख रहे हो तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ चुका है, यहाँ पे उसको भी मार्क कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये 5A, बेस कितना दे रखा था, बी सी, बेस बी सी, ये क्या कर, अच्छा बी सी लिखा हुआ है, बी सी 4K, ये है 4K, ठीक है। और ए बी का वैल्यू क्या है, 3K, यहाँ पे हमने लिख दिया 3K। अब यहाँ से देख देख के लिखेंगे ना, फटाफट काम इजी होगा। तो अब उसके पहले भी तुम्हें क्या करना है, जैसे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाली लाइन 4K बाई 5K हम लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले और रिकमेंडेड क्या है कि तुम यहाँ पे लिखो परपेंडिकुलर जो लाइन है ना, BC,
BC बाई AC लिखो, ठीक है, और यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस AB बाई AC लिखो, AB बाई AC, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ये वाली लाइन, ठीक है, BC बाई बेस क्या हो गया AB, ठीक है। अब उसके बाद फिर उसका वैल्यू लिखो कि BC कितना आ रहा है, BC आ रहा है 4K बाई, यहाँ पे जगह ही कम पड़ गई तो उसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा, चलो ये तीन मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी तीन तुम लोग लिख लोगे, ठीक है। तो BC कितना है, ये लाइन 4K बाई AC कितना हो गया 5K, ये K K कट गया, कितना आ गया 4/5। मतलब दिखाने के लिए यार इतना थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन समझ में तो यार बहुत ओरली आ रहा है, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4K बाई 5K, के कट जाएगा 4/5, आंसर तो तुरंत समझ में आ रहा है, लेकिन कॉपी में यार फिर तुम लिखोगे क्या, थोड़ा सा लिखने के लिए चाहिए ना, तो इस तरीके से हम इतना डिटेल दिखा देते हैं कि भैया मार्क्स कट का कोई चांस बचे ही नहीं। AB/AC, AB कितना हो गया 3K, बाई AC कितना हो गया 5K, के गया 3/5, ठीक है, BC कितना है 4K, AB कितना है 3K, KK गया, ये आ गया 4/3। तो अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है यार, तो प्लीज़ ये एक रिकमेंडेशन है कि तुम ऐसे K एज्यूम करके ही बनाओ, थोड़ा सा इसमें ये लेंदी हो जाता है, अगर हम K लगा के नहीं बनाए तो सिंपल में बनता है, लेकिन तुम ऐसे दिखा दोगे तो ठीक है, और अगर नहीं लगाया K, नहीं भी लगा के बनाया, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा पूरा काट दिया जाएगा, पूरा गलत है, नहीं पूरा गलत नहीं होता है, उसमें भी कुछ हाफ मार्क्स कटेगा, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया, साइन कॉस टेन का निकल गया, उसी तरीके से बाकी सबका आ जाएगा। कॉसेक ए क्या हो गया, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कौन हो जाएगा AC, परपेंडिकुलर कौन हो गया BC, ठीक है, AC का वैल्यू क्या है 5K, तो यहां पे आ गया 5K, एंड BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है 4K, तो KK कट गया, ये आ गया 5/4, हमें आंसर तो ऐसे ही 4/5 था, तो ये 5/4 होगा, पता तो तुरंत चल रहा है, लेकिन कॉपी में ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। उसी तरीके से सेक ए खुद से लिख लो और कॉट ए को खुद से लिख लो, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। इफ एंगल बी, एंड देखो ये वाला क्वेश्चन है, सही जगह पे गलत क्वेश्चन दे रखा है, इतना मस्त हमारा चल रहा है एकदम आराम से, ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे बुक में नहीं देना चाहिए था, मतलब प्लेसमेंट गलत है, अभी अननेसेसरी ये क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करेगा कि पढ़ रहे हैं ये क्या आ गया, तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अभी इस क्वेश्चन को मत करो, एंड यहाँ पे अभी मैं नहीं करवाऊंगा, पूरी जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी ना, इसका कहीं भी कोई रिलेवेंस नहीं कि अभी ये वाला समझाया, तो अगले क्वेश्चन में ये तुम्हें हेल्प करेगा कि आइडेंटिटीज में हेल्प करेगा, कहीं ये हेल्प नहीं करेगा और कंफ्यूज करेगा, ठीक है, तो अभी मेरा इसको इग्नोर कर रहे हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के एंड में मैं इस क्वेश्चन को ऐड करूंगा, ऐसा नहीं कि इस एक्सरसाइज के एंड में कर दिया, नहीं, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल समझ लेंगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री NCERT पे जितना दे रखा सारा खत्म कर देंगे, उसके लास्ट में इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, एंड तुम लोग भी यही करो, इस बात को मेरी मानना, ठीक है, तो अभी के लिए इसको पोस्टपोन, चाहे पोस्टपोन नहीं लिखते हैं, एट द एंड। तो ये तो आ गया, एग्जाम्पल में आया है, एग्जाम्पल में आया है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, जब हम एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे, एक्सरसाइज 8.1 में भी क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का है, तो उसको भी हम लोग एंड में करेंगे। अब देखो, आओ एग्जाम्पल 3 पे, यहाँ क्या दे रखा है, कॉन्सिडर ट्राइंगल ACB, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एंगल C पे 90 डिग्री बन रहा है, ये फिगर अगर उतना क्लियर नहीं तो मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये कितना हो गया 29 दिया हुआ है, ये ACB यहाँ पे मार्क किया हुआ है थीटा, ठीक है, ये लिखा हुआ है 21, ठीक है, बस ये दे रखा है फिगर, कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट एंगल C, एंगल C पे 90 डिग्री बन रहा है हमारा, ठीक है, इन विच AB का लेंथ दे रखा है 29 यूनिट, BC का लेंथ दे रखा है 21 यूनिट, एंगल ACB पे यहाँ पे थीटा मार्क किया हुआ है, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है, देखो
पहले कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करो, साइन थीटा का, दोनों को जोड़ दो और फिर दोनों को एक बार स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो। हमें ये वाली लाइन का लेंथ चाहिए होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी हम सबसे पहले इस वाली लेंथ को फाइंड करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देना पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ से आया, तुम कहाँ से लिख रहे हो तो बताना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम है। तो ए बी कितना दे रखा है, 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना हो गया, 21 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, 841, यही होगा ना, माइनस 21 का स्क्वायर 441। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस 441 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400, स्क्वायर हटा रूट लगा, बी सी इज इक्वल टू आ गया 20, बी सी का वैल्यू हमें मिल गया 20, ये वाला लेंथ आ गया 20, ठीक है। देखो यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, यूनिट्स लिखा हुआ है, तो हम भी सिर्फ यहाँ पे यूनिट लिख देंगे, ठीक है। अब हमें बताना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें पहले कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन है, थीटा के साथ वाली लाइन, ये हो गया 21। चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले बी सी बाई ए बी बता दिया और फिर बी सी के जगह पे 21 लिखा और ये 29 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट, ठीक है। थीटा के अपोजिट है ये वाली लाइन, ठीक है, ए सी अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स है ए बी, ठीक है। ए सी कितना हो गया 20 अपॉन 29, ठीक है। अगर एम सी क्यू में बना रहे हैं तो इतना ही सब फॉर्मूला वॉर्मूला लिख के दिखाने का, जो साइन थीटा डायरेक्ट हम ट्रायंगल से देख के वैल्यू लिख लेंगे, इतना ज़्यादा लिख के नहीं बताना पड़ता है हमें, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में बताना पड़ेगा। अब देखो हमें साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया, अब बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, नाउ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू आया है 21 अपॉन 29, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस साइन थीटा का वैल्यू आया है 20 अपॉन 29, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। जिस स्टूडेंट का बेसिक्स क्लियर है यार, और जिसको लगता है कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आती है, थोड़ा एडवांस लेवल जाना है, तो वो बच्चा इस वीडियो को रिकमेंडेड है कि ना देखे, वो हमारा जाके एडवांस्ड वाला कोर्स चेक कर सकता है, जिसमें वहाँ पे अब ये सब में कैसे आ रहा है, सब रेशियो क्या होता है कॉन्सेप्ट नहीं बताया, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को, हाई लेवल क्वेश्चंस को एंड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर 441 बाई 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400 बाई 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। तो 441 प्लस, दोनों देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को जोड़ दो, तो 441 प्लस 400 कितना हो गया, जोड़ लेना 841, ये भी आ जाएगा 841 अपॉन 841, तो ये कट के कितना आ गया 1, यानी क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया 1। आगे हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़ में, ये तो एक आइडेंटिटीज़ लिखी हुई है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी को एज ए एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, तो तुमने देख लिया ना, चेक किया ना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन साइन स्क्वायर थीटा हमने सॉल्व किया, इसका वैल्यू आता है 1। अब तुम देखो इसके बाद अगला क्या था, अगला पार्ट इसमें था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का हमें वैल्यू फाइंड करना है। कॉस स्क्वायर माइनस सेकेंड पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का तो वैल्यू यही है 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 21 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, तो 441 माइनस 400 हो गया, तो 41 अपॉन 841 ये आ गया, बस ये हो गया हमारा आंसर। अब तुम देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था ना यार, देखो अब तुम सोचो अनलिमिटेड कितना क्वेश्चन बन सकता है, जस्ट ये सब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ताकि हमें ये सब ट्रायंगल बना के ये सब वैल्यूज निकालना आ जाए, उसी के लिए सिखाया जा रहा है। लेकिन तुम बताओ क्या नया था, कुछ भी नया नहीं था, साइड दे रखा था, साइड की हेल्प से हमने तीसरी साइड खोज ली। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में एंड इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, पिछले में क्या दे रखा था, जो हमने एग्जाम्पल 1 किया उसमें टेन दे रखा था,
टेन का दे रखा था 4/3, तो 4/3 का मतलब दो ट्राइंगल की दो साइड का, यहाँ से मैं पता चल गया एक 4 और एक 3, ठीक है। तो वहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम से हमने ट्राइंगल की तीसरी साइड को फाइंड कर लिया। जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल जाती है तो हम कोई सा भी रेशियो निकाल लेंगे, चाहे साइन कॉस टेन, और जब हम कोई सा भी रेशियो निकाल लेंगे तो चाहे अब उन सारे रेशियो को हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन में अरेंज करके बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, चाहे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर बाई फाइव, इसका वैल्यू बताओ। तो बहुत मतलब अब कॉन्सेप्ट नहीं बचा। अब तुम आगे भी देखना इसके बाद, जैसे ये वाला एग्जाम्पल 3 किया ना हमने, अब तुम एग्जाम्पल 4 देखो, इसमें भी तुम्हें नया कुछ नहीं है। नया कैसे है देखो, फिर से राइट एंगल लेट बी टेन एंगल ए 1 दिया हुआ है। तुम बोलोगे सर इस बार दो साइड का रेशियो कहाँ दे रखा है ना, टेन ए दिया हुआ है 1, टेन ए 1 मतलब 1 का मतलब 1/1, जैसे पहले क्वेश्चन में 4/3 दे रखा था, इस बार सिर्फ 1 बोला, 1 का मतलब 1/1, यही हो गया ना। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो ट्राइंगल की दो साइड 1 हो गई ना, मान लो हमने एक ट्राइंगल बनाया और राइट एंगल डेट बी, एंगल बी पे 90 डिग्री बना दो, बाकी ए और सी जहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ लिख दो, ठीक है। इन्हें राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल डेट बी, टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो टेन ए हमने, चाहे बेटर रहता है एंगल ए को नीचे लिख लो, एंगल ए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंट्रो वाली वीडियो में मैंने समझा दिया था, ठीक है। इसलिए कि जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पे काट के ही किया, तो अब यहाँ पे कुछ बच्चा कन्फ्यूज़ कि सर ऐसा क्यों कर दिया, एंगल ए को क्यों नीचे लिख दिया, इसलिए वहाँ पे ये चीज़ समझाया था कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अब हम एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन हो गई बेस, एंड ये वाली लाइन हो गई हाइपोटेनस। डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, ये हो गया बेस, हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। 1/1 यानी परपेंडिकुलर ये भी हो गया 1 एंड बेस ये भी हो गया 1, 1 लिखो या 1 के लिख लो, इसका भी डिफरेंस बता दिया था, के लगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, यानी परपेंडिकुलर बेस हमारा, पाइथागोरस थ्योरम से हम एसी को निकाल लेंगे। तो एसी कितना आ जाएगा, चाहे तुम अगर ऐसे लिखना चाहो, परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे बीसी, बेस क्या हो गया एबी, तो लेट बीसी इज इक्वल टू 1k, 1k क्या होता है सिर्फ k लिखेंगे, ठीक है, एंड एबी इज इक्वल टू, ये भी क्या हो गया 1k, ठीक है। तो एसी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो पता है हमें 1 1 है तो ये रूट टू ही आएगा, अगर ये 1 है ये 1 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट टू आएगा, लेकिन निकाल के दिखाना तो पड़ेगा ना, तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ कॉपी में दिखाना होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो 1k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 1k स्क्वायर, मतलब सिर्फ k स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बन गया k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो ये बन गया 2k स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे, रूट लेंगे, तो रूट में से क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2k स्क्वायर, तो k स्क्वायर में से तो k बाहर आ गया और रूट 2 रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2k, तो ए सी का वैल्यू क्या आ गया रूट 2k, ठीक है। तो ए सी की जगह पे हम लिख देंगे रूट 2k, ठीक है। अब बोल रहा है वेरीफाई करके दिखाओ कि 2 साइन ऑफ एंगल ए कॉस ऑफ एंगल ए का वैल्यू 1 आएगा, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, साइन एंगल ए फाइंड करो कॉस एंगल ए फाइंड करो, ठीक है। तो कर दो भैया, साइन एंगल ए क्या होगा, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 1k लगा के लिख लेना, जब हमने कर ही दिया है तो पहले सोचते हैं यार चलो शॉर्ट में पार कर देते हैं, फिर मन नहीं मानता, फिर बोलते हैं चलो पूरा कर देते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस में रूट 2k, k कट जाएगा, तो साइन एंगल ए क्या आ गया 1/√2। उसके बाद कॉस ऑफ एंगल ए,
तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया, ये भी 1k, हाइपोटेनस हो गया रूट 2k, तो k कट गया, फिर से ये भी आ गया 1/√2, यानी कॉस ऑफ एंगल ए ये भी कितना हो गया 1/√2, साइन ऑफ एंगल ए ये भी 1/√2, कॉस ऑफ एंगल ए ये भी 1/√2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो पूरा 1 आता है कि नहीं आता है, ऑब्वियसली आएगा यार, 100% है कि आएगा। नाउ 2 साइन एंगल ए इंटू कॉस एंगल ए, LHS वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, जो वैल्यू आया था वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू रूट 2 मिलकर क्या बनेगा, 2, और 2 कट के क्या हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल टू RHS। तो यार अब इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनेगा ही नहीं इस वाले टॉपिक में, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा है नहीं। आइडेंटिटीज़ में तुम जितना बना लो उतना कम ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्योंकि अब और क्वेश्चन बन नहीं सकते, तो ज़बरदस्ती ये सब ज़बरदस्ती बनाया हुआ है, ठीक है ना। अल्टीमेटली हर क्वेश्चन में तुम देखो, हम सेम काम करेंगे, तो दो ट्राइंगल की दो साइड दे रखी होगी, या तो डायरेक्ट साइड बता देगा, या इस तरीके से कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दिया। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देने का मतलब है दो साइड का रेशियो दे रखा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, दो साइड का रेशियो। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दे या ट्राइंगल की दो साइड बता दे, दोनों ही केस में हम लोग ट्राइंगल की तीसरी साइड फाइंड करते हैं। तीसरी साइड फाइंड करने के बाद हमें जो कुछ क्वेश्चन दे रखा होता है उसमें इस तरीके के और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सबको हमें फाइंड करना होता है, और फिर जो पुट फाइंड करने बोलेगा या जो वेरीफाई करने बोलेगा वो कर देते हैं। यानी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, खत्म। आगे बढ़ो, देखो फिर से सेम, अब नया क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, मैंने बोल दिया ना नया नहीं बनेगा। देखो फिर से क्या, एक ट्रायंगल दे रखा है, उतना ये वाइट कलर यार इसमें ठीक से विजिबल होता नहीं, कैमरे की सेटिंग ब्लैक के अकॉर्डिंग की हुई है, तो इसको मैं फिगर यहाँ पे बना लेता हूँ और इसको मैं डिलीट करूँगा। फिर एक ट्रायंगल दे रखा है OPQ, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इन फिगर, इन ट्राइंगल OPQ, इस ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल एट पी, राइट पी पे 90 डिग्री बन रहा है, OP का लेंथ डायरेक्ट दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बता दिया कि ये वाली लाइन भैया 7 सेंटीमीटर की है, एंड जो OQ-PQ 1 आता है, OQ-PQ करने पे कितना आता है, 1 सेंटीमीटर आता है सॉल्यूशन, ठीक है। देखो तो OQ कहाँ है, ये रहा हमारा OQ और ये रहा PQ, ठीक है। और तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यार फिर से, तो यहाँ से OQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू 1+PQ हो गया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लेट, अगर हम PQ को बोल दें, इस वाली साइड PQ को अगर हम X से डिनोट कर दें, वैसे ज़रूरत नहीं है, हम नहीं भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा, PQ को हमने X बोल दिया, तो OQ क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू 1+PQ था, तो ये 1+X हो गया, यहाँ पे हम 1+X लिख सकते हैं, और ये हो गया 7। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हमें x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मतलब ये वाली साइड मिल गई, मतलब ये वाली मिल गई, मतलब फिर से वही क्वेश्चन हो गया, घूम फिर के हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई। जब तीनों साइड पता चल गई तो बोल रहा है साइन ऑफ एंगल q खोजो और साइन ऑफ कॉस ऑफ एंगल q खोजो, बन जाएगा तुमसे क्वेश्चन। तो वीडियो को बढ़ा लो आगे, ठीक है। हम निकालते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल POQ, ठीक है, OQ square इज इक्वल टू OP square plus PQ square। OQ को हमने क्या बोला है, 1+X का होल स्क्वायर, OP कितना है, X का स्क्वायर हो गया, और PQ कितना है, 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर। तो अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो, 1+X का होल स्क्वायर यानी X स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x, मतलब 2x हो जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 49, x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 49, ये 1 उधर जाके माइनस हो गया, 2x इज इक्वल टू 48, और 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 24, ठीक है। x का वैल्यू पता चल गया 24, ठीक है, x का वैल्यू आ गया 24, तो यानी PQ का लेंथ कितना हो गया, PQ इज इक्वल टू हो गया 24, एंड OQ हो गया 1+X यानी 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
ट्रायंगल का साइड पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, साइन क्यू फाइंड करो, साइन क्यू, साइन क्यू क्यों फाइंड करें हम, क्यों फाइंड करें साइन क्यू। तो साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, एंगल क्यू के हिसाब से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाली लाइन हो गई। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बुक में इसलिए दिया हुआ है, साइन ऑफ एंगल क्यू कर दिया, जो बच्चा ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझता है परपेंडिकुलर और बेस वाला, वो बच्चा परपेंडिकुलर बाई बेस फॉर्मूला तो ठीक लगता, लेकिन वहाँ पे कर देता परपेंडिकुलर इसको समझ लेता और हाइपोटेनस इसको समझता, गलत हो जाता ना। इस बार परपेंडिकुलर ये वाली लाइन नहीं है, हम एंगल क्यू के हिसाब से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। लेकिन तुम अगर सीरियल वाइज वीडियो देख रहे होगे तो तुम ऐसा सोचोगे नहीं, क्योंकि सारा बात तो तुम्हें पहले ही मैंने बता दिया है। तो साइन ऑफ एंगल क्यू क्या हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस बार हमारा होगा ओपी, और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है यार, हाइपोटेनस में किसी को कंफ्यूजन नहीं है। तो ओपी कितना आ गया, 7/25, या 25, ये लाइन 25 आ चुकी है, ये वाली लाइन 24 आ चुकी है, 7/25, ठीक है। उसके बाद कॉस ऑफ एंगल क्यू, कॉस एंगल क्यू, तो कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस कौन हो गया, मतलब हर बढ़ाना नहीं है, आसान बोल के आराम से बनाओ, गलती करने से बेटर है आराम आराम से। ये बहुत बेसिक चीज़ है कि इसी में तुम फॉर्मूला लिखने में, कॉस का लिखना था बेस बाई हाइपोटेनस, लिख दिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इस तरह की गलती होती यार, इसी आसान चीज़ में ही गलती करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग आसान चीज़ को बहुत हल्का ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। और जो डिफ़िकल्ट होता है तो हम उसको थोड़ा अलर्ट होके बनाते हैं, तो उसमें गलती नहीं होती है, और जो हल्के चीज़ में ही गलती होती है तो उसको हल्के को हल्का मत लो यार, हल्के को भारी लो, ठीक है। कॉस ऑफ एंगल क्यू बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, मान लो फॉर्मूला हमने सही लिखा, सब कुछ सब कुछ सही चल रहा है, बेस हमें पता है कि इस लाइन को बेस बोलते हैं, लेकिन लिखते वक्त हम वैल्यू गलत लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल क्यू के हिसाब से देख रहे हैं तो ये वाली लाइन बेस है, ठीक है। तो बेस कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 25, समझ में आया, बस यही करना था इस क्वेश्चन में। आगे देखो, नेक्स्ट खत्म, एग्जाम्पल में जितने क्वेश्चन दे रखे थे हो गया यार, अब एक्सरसाइज में। तो अगर एग्जाम्पल तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया है और होगा, ठीक है, आया होगा यार ऑब्वियसली, तो एक्सरसाइज में तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है एक्सरसाइज का, उसको मैंने पहले ही बता दिया था, अभी एग्जाम्पल में से भी इस टाइप का क्वेश्चन जो दे रखा था मैंने उसको अभी हटा दिया कि अभी नहीं करेंगे, एंड तुम लोग भी मत करना, एंड में करना, ठीक है। जब पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ जाओगे तब फिर तुम इस क्वेश्चन को टच करोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा एंड समझ में भी आएगा उस वक्त, अभी समझोगे अननेसेसरी कन्फ्यूज खुद को करोगे, ठीक है। तो चलो अब ये रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज खुद से बनाओ, एंड ऑब्वियसली तुमसे बनेगी, सारे क्वेश्चन बनेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, समझ में आया फीडबैक अपना जरूर देना, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।